हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे बेहतरीन डेट फ्री शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। जिसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टाइम से वो डल पड़ा था जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, बट जैसे जैसे उस इंडस्ट्री में बूम आता जा रहा है, वो इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है, बिजनेस उनका शुरू हो गया है, वैसे ही ये शेयर भी शुरू रफ्तार पकड़ने लग गया है। तो आइए उस शेयर से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। कितने परसेंट के रिटर्न दिया उसने पिछले 6-7 महीने, वो सब चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस वो सब करेंगे। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाते रहूँ। तो आइए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ रिटर्न्स। रिटर्न्स वन डे में देखिए पॉजिटिव, वन वीक पॉजिटिव, वन मंथ पॉजिटिव, 3 मंथ्स पॉजिटिव, 6 मंथ में देखिए लगभग 72। अगर मैं 7 मंथ्स की बात करूँ जब से पेंडेमिक आया है, तो लगभग 200% के रिटर्न्स उसने दिए हैं, वो मैं आपको अभी आगे चल के दिखाने वाला हूँ। और 10 ईयर्स में भी देखेंगे तो 517.67% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो आपको पता ही है स्मॉल कैप कंपनी में अगर रिस्क भी ज़्यादा होता है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो दोनों साथ साथ पैरेलल चलते हैं उसमें। और इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं एक बार। तो प्रमोटर्स ने स्लाइटली अपनी वो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में चेंजेस किए हैं, थोड़ी सी कम करी है 0.05% की। फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है जो कि अभी 2.05% है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है उस कंपनी में, तो 3.06% की हिस्सेदारी है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो 1.45% की हिस्सेदारी हो गई है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और DIS और नॉन DIS ने नॉन इंस्टीट्यूशंस ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम करी है, और नॉन इंस्टीट्यूशन लगभग 58.84% की, क्योंकि बीच में जब रूल्स आया था, जब आपको पता है कि सेबी ने कह दिया था कि आपको अब 25-25% मिड कैप स्मॉल कैप में रखना होगा, तो ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, इस पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए देख सकते हैं आप। इंश्योरेंस कंपनी म्यूचुअल फंड ने भी इसमें 1.33% की हिस्सेदारी बढ़ा दी थी। तो ये तो हो गई पूरी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात। एक बार मैं आपको इसकी बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट, रिजर्व्स देखिए। सबसे पहले रिजर्व्स कंटिन्यूअसली पिछले 5 साल में बढ़ते जा रहे हैं, पहले 307 करोड़ के, फिर अभी 7,416 करोड़ के, फिर 872.95 करोड़ रुपीज़ के, और फिर 983.7242 करोड़ के, और अभी लगभग 1,004.56 करोड़ रुपीज़ के इनके पास रिजर्व्स है। एंड बात करें इनके बोरिंग की, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग देख लीजिए, जीरो, किसी भी तरीके की बोरिंग नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देख लीजिए, ये भी जीरो, कोई भी कि मतलब कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है, और अभी नहीं, पिछले काफ़ी साल से ही ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है। तो काफ़ी अच्छा है, इसकी बैलेंस शीट हमें अभी तक नज़र आई है। एक बार करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो करंट इन्वेस्टमेंट इनका घटता जा रहा है, जैसे कि अभी देखिए तो लगभग 23.20 करोड़ रुपीज़ का इनका करंट इन्वेस्टमेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की भी बात करें तो लास्ट ईयर जहाँ 38.9 करोड़ रुपीज़ के इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थे, यहाँ अभी लगभग 12.80 करोड़ रुपीज़ के इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो ये तो हो गई बात इसकी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है इनकी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट इनकी नज़र आ रही है। एसेट की भी बात करें तो सेम एसेट है, लगभग 14,427.87 करोड़ रुपीज़ के इनके पास टोटल एसेट है। अगर हम बात कर लेते हैं एक बार इसके डिविडेंड की, तो कंपनी कंटिन्यूसली हर साल डिविडेंड देती आई है। और बोनस की बात कर रहे तो कंपनी 4 बार बोनस दे चुकी है, बट ये बोनस जो उसने दिए काफ़ी साल पुरानी दी है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी ने पहला बोनस दिया था 1980 को, तो मतलब कंपनी कितने साल पुरानी है, लगभग 40 साल तो बोनस दिए दे पहली बार बोनस दिया था 40 साल पहले, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी बेहतरीन होगी। तो 1:3 का 1980 में, 1986 में 1.2 का, ये अनाउंस डेट है, और 1993 में 1:3 का, और 1995 में 1:1 का यहाँ पर बोनस इन्होंने अनाउंस किया था। तो ये बोनस दे चुकी है कंपनी 4 बार। स्प्लिट की बात करें तो एक बार कंपनी स्प्लिट भी हुई है 1995 में, 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू था जो अभी 10 रुपीज़ का हमें देखने को मिलता है। तो राइट इशू भी एक बार ले लाई है कंपनी 1995 में 1:1 का। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी कंपनी की बात। अब बात कर लेते हैं कि शेयर कौन सा है
ओके, एज वेल एज इसने रिटर्न्स कितने दिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 200% की रिटर्न कंपनी दे चुकी है। तो देख, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 वीक लो कितना है, 45। तो 45 रुपीज़, और यहाँ पर लगा लीजिए अगर दुगना भी करेंगे, 200% भी करेंगे, तो भी 200+ ही आपको नज़र आएगा। फिर भी यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको लगा दूँ 188% दिखा रहा है, बट अगर आप फिर भी अगर एक हिसाब लगाएंगे 45 से, तो लगभग ये 200% के रिटर्न अपने मिनिमम से दे चुका है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 120 रुपये के आसपास ये कंपनी चल रही थी, पैंडमिक आया लगभग 45 रुपीज़ तक आई, और अभी इसका 52 वीक हाई भी देखे तो लगभग 156 इसका 52 वीक हाई है। तो कंपनी और मार्केट कैप देखे तो स्मॉल स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी ही कंपनी है। 23.77 बिलियन रुपीज़ इसका टर्नओवर, मार्केट कैपिटल हम कह सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए पॉजिटिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव था, बट अब ये कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड बता देता हूँ। तो ये कंपनी जिस बिजनेस में है, वो ऑटोमोबाइल के बिजनेस से रिलेटेड है। तो ऑटोमोबाइल में जैसे कि आपको पता ही, पिछले 2 से 3 साल गिरावट ही नज़र आई है, ऑटोमोबाइल्स के शेयर्स में। इस वजह से ये शेयर भी आपको गिरता हुआ नज़र आया है, वरना ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा था। बट धीरे धीरे जैसे कि आपको दिख रहा है कि ऑटो सेल्स बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से हो क्या रहा है कि ये शेयर भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता आ रहा है। आप पिछले देख लीजिए, 6 7 महीने में देखिए, मार्च के बाद क्या पॉजिटिव, क्या रफ्तार इस कंपनी ने पकड़ी है, और कितने बेहतरीन रिजल्ट इसने पेश किए। तो इस वजह से आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू तो मुझे तो अच्छा लगता है। अगर ये कंपनी ऑटोमोबाइल्स में ऑटोमोबाइल्स चलते रहे, तो ये कंपनी भी डेफिनेटली आपको ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। एज वेल एज हम इसके बात कर ले, 52 वीक हाई और लो, हाई और लो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो लगभग 22.16% की यहाँ पर डिलीवरीज उठाती हुई नज़र आ रही है। अब एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, डिविडेंड तो देखिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि डिविडेंड कंटिन्यूसली देती आ रही है कंपनी। तो यहाँ पर प्लेजिंग की बात कर लेते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर के पास लगभग 33.98, 34 कह सकते हैं, इतने परसेंट के यहाँ पर शेयर है, और उनमें से कंपनी ने 9.51, यहाँ पर कंपनी ने कर्ज में रख रखे है, डेट में रख रखे है, प्लेस कर रखे है ये कंपनी ने, ये शेयर प्लेस कर रखे है बैंक के साथ या किसी के साथ भी 9.51। तो क्या ये कंपनी बुरी है, इसने कर्ज में रख रखे है? तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25% तक माना जाता है कि कोई इशू नहीं है, बट 25 से अगर ऊपर चले जाता है ये कर्ज, ये प्लेजिंग, तो कहते हैं कि कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो शायद कंपनी रिस्क में आ गई है, गड़बड़ी नहीं कहेंगे, रिस्क में रिस्क बढ़ जाता है उस कंपनी का। तो इसलिए कहते हैं कि 25 तक बट 25 से पहले अगर नीचे है तो ठीक है। अगर आप TCS की बात करें, जो कि एक बहुत बेहतरीन नंबर 1 IT कंपनी है, इंडिया की, तो उसकी बात करें तो लगभग 2% के आसपास शेयर TCS ने भी यहाँ पर गिरवी रख रखे है, प्लस कर रखे है। तो इस कंपनी ने 9.51 है, छोटी कंपनी है, बट 25% तक चलता है, कहते हैं कि 25% तक कोई रिस्क नहीं है, बट रिस्क तो बना रहता है, शेयर मार्केट है तो यहाँ पर रिस्क रहता ही है। बट फंडामेंटल जैसे कि हमने बैलेंस शीट चेक करी है, रिटर्न चेक करे है, पिछला परफॉर्मेंस चेक किया है, तो एवरीथिंग इज सीम्स टू बी ओके, सब कुछ अच्छा लग रहा है। और कंपनी किस में बिजनेस करती है, तो आइए देख लेते हैं। कंपनी का नाम जैसे कि नौसिल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नौसिल टुडे इज द लार्जेस्ट रबर केमिकल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा रबर केमिकल मैन्युफैक्चरर है इंडिया का। तो होता क्या है कि जब ये मैन्युफैक्चर रबर केमिकल्स बनाता है, तो रबर केमिकल्स काम किस में आते हैं, तो आप देख लेते हैं, रबर केमिकल्स काम आता है टायर्स बनाने में। आप देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स का पिछले कुछ महीनों में सेल्स बढ़ती जा रही है। तो सेल्स बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमोबाइल्स किससे बनते हैं, गाड़ियाँ किससे बनती है, मोटरसाइकिल देख लीजिए, या फिर आप 2 व्हीलर देख लीजिए, 4 व्हीलर देख लीजिए, उसमें टायर की ज़रूरत पड़ती है। और दिस इज ये जो एक कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है इन केस ऑफ
रबर केमिकल्स, तो रबर केमिकल्स बनाने में ये कंपनी नंबर वन है। इस वजह से ये कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी कुछ महीनों से आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एज वेल एज हम यहाँ पर बात करें कि इसके क्लाइंट्स कौन से हैं, तो क्लाइंट्स आप देख सकते हैं, अपोलो टायर्स का नाम आपने सुना होगा, सीएट टायर्स का नाम सुना होगा, एमआरएफ का नाम सुना होगा, एंड अदर रबर प्रोडक्ट्स जो बनाती है कंपनी। ओके, उसमें ये कंपनी अपना ये केमिकल्स ये बेचती है। तो काफ़ी अगर ये कह सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल गाड़ी के लिए बनाती है, तो रबर्स बनाती है, रबर केमिकल्स ये प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी का डेट फ्री कंपनी है, तो फ्यूचर में हमें काफ़ी अच्छा इसमें रेस्पॉन्स दिख सकता है। ऑटोमोबाइल्स में बिक्री नहीं थी, तो ये एक शेयर भी गिरता जा रहा था, बट जैसे ही ऑटोमोबाइल्स में बिक्री होनी शुरू हुई है, तो ये कंपनी भी बढ़ती जा रही है, और पिछले ऑलरेडी बता चुका हूँ 200% से ज़्यादा 7 महीने में रिटर्न्स प्रोवाइड कर चुके हैं। 45 से 142 आप लाएंगे तो 200+ रिटर्न्स ही यहाँ पर हमें नज़र आते हैं। तो दोस्तों, आप इस कंपनी की तरफ नज़र बना सकते हैं, रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंफर्म करके। उसे एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको और नीचे ये शेयर मिलता है, जैसे कि अभी मार्केट में उथल पथल मची हुई है, पीई भी 35 के अप्राउड 34 को पॉइंट समथिंग चल रहा है, तो अगर मार्केट गिरती है तो आप इस कंपनी की तरफ नज़र बना के रख सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड पैरेलल चलते हैं, भागेगी तो बहुत तेज भागेगी, गिरेगी भी तो उतनी ही तेज गिरेगी, तो इसलिए इसकी तरफ आप नज़र बना के रखिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।